हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा क्लास है क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स, और क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में हम अभी कैलकुलस पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन का एक स्पेशल पार्ट चल रहा है हमारा, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के आपने 2 पार्ट देखे, आज मैं तीसरा पार्ट आपके लिए लेके आया हूँ, और यह एक स्पेशल पैटर्न का पार्ट है। मतलब यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो है, लेकिन इसका पैटर्न क्या है, स्पेशल है। तो ये हम उस स्पेशल पैटर्न के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको फार्मूला के बेस पर उसको बनाना होता है, ठीक है। देखिए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले पैटर्न से इंट्रोड्यूस करा दूँ। ये है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस कंडीशन, क्लियर। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप फार्मूला देख रहे हो, इस फॉर्म में पहले फार्मूला होगा e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या इसी फार्मूला को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला आपको लर्न करना है, सबसे पहले फार्मूला आपको लर्न करना है। और यहाँ पर ये साइन का फार्मूला है, ये कास का फार्मूला है, e टू द पावर ए एक्स कास बी एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ए कास बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, क्लियर। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ए साइन होता है, यहाँ पर ए कास होता है, यहाँ पर बी कास होता है, यहाँ पर बी साइन होता है, और इसी का दूसरा फॉर्म है टेन इन्वर्स के फॉर्म में। तो यहाँ दो दो फार्मूला है, तो आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर कौन सा फार्मूला लगाएं। तो ध्यान रखना, जनरली हम इसके फर्स्ट पोजीशन वाले फार्मूला को लगाते हैं इसको, और ऐसा भी दे सकते हैं, दोनों आंसर आपका सही होगा, आपकी मर्जी है। आप कहीं भी इस फार्मूला को, कहीं भी आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर यह मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर यह इनटू रहेगा, ध्यान रखना यह इनटू रहेगा, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू साइन, ठीक है, वहाँ पर साइन के जैसे यहाँ पर इनटू कास का मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए हम इसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, और इससे पहले कि इसका एप्लीकेशन देखें, मैं आपको एक और पैटर्न इंट्रोड्यूस करा दूं, जिस पर एक एक करके क्वेश्चन भी, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ये सब इस पर क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये है कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रेशन। कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रेशन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में इसको निरसन नियम के भी नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर पहला पैटर्न ये है, ये पहला पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है e टू द पावर x अंडर ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x फंक्शन ऑफ x। मतलब यदि आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का मतलब क्या है कि यहाँ जो फंक्शन दिया हो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर हो, तो टोटल का इंटीग्रेशन सिंगल लाइन में ये हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड में देखो, सेकंड कैंसिलेशन ला है x इंटू एफ डैश एक्स प्लस फंक्शन ऑफ x डी एक्स इक्वल टू x फंक्शन ऑफ x। मैं इस पर आपको एक एक क्वेश्चन करा दूं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होता है, ठीक है। चलिए पहले अपन देखते हैं पहले पैटर्न को। तो इस पैटर्न का मैं आपको बार बार पीछे आके फार्मूला को यूज़ करना बता दूंगा। हम इस पैटर्न के सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले मैंने आपको पैटर्न एक्सप्लेन कर दिया, अब एक एक पैटर्न को लेके हम क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो देखो, पहला क्वेश्चन को समझाने से पहले सपोज हमारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, उस पर e टू द पावर 2x साइन x dx e टू द पावर 2x साइन एक्स डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का पैटर्न है इस पैटर्न पर, e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, इस पैटर्न पर हमारा क्वेश्चन है। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले ये बता दूं कि सपोज इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं,
ट्रेडिशनल मेथड से करते मतलब हमको नियम नहीं पता रहता और हम इस क्वेश्चन को करते तो कैसा करते, ठीक है। इस तरह से मैं आपको इसको फर्स्ट मेथड करके समझा रहा हूँ। ये पहला मेथड है। तो पहला मेथड हमको पता है किस तरह से करते हैं अपन, u इंटू वी से, ये हमारे लिए u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, और u इंटू वी से हम क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं जैसे अपन करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला मैं बाद में अप्लाई करूंगा, सबसे पहले आपको पहले मेथड से कंपेरेटिव ही बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन को मैं आपको तुलनात्मक बताऊंगा, बाद में फिर क्वेश्चन को फार्मूला से करूंगा। तो देखो इस मेथड से हम यदि बनाना चाहें इसको तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा u मतलब e टू दी पावर 2x, ध्यान से समझना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और पूरे का इंटीग्रेशन। ये आपको पता है फार्मूला, ये क्वेश्चन बहुत सारा किया है आपने, ये किया दैट इक्वल e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस को सामने लिख दिया और ये हो गया माइनस कॉस एक्स माइनस। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन को आप देखो e टू दी पावर 2x का ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स और माइनस का यहाँ पर हो गया प्लस, क्लियर। इस तरह से हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ गया देखो, फिर ये u इंटू वी है, ये u है और ये v है, फिर अब हमको इसको u इंटू वी से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए u इंटू वी फिर अप्लाई करते हैं अपन यहां पर, दैट इक्वल माइनस e टू दी पावर 2x cos x प्लस 2, इसको मैं बाहर लिख दिया, होल बाहर कर दिया, ये होगा u। तो इस फार्मूला से हो जाएगा e टू दी पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होल इंटीग्रेशन dx, ये हो जाएगा दैट इक्वल माइनस e टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस, अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर भी करते जाऊंगा और उसको ओपन भी करते जाऊंगा, ठीक है, ये होल ब्रैकेट में ध्यान रखना ये। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x हो जाएगा, तो 2 e टू दी पावर 2x कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स हो गया, अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2, यहाँ से 2 आएगा इंटीग्रेशन होके, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो गया 4, और ये इंटीग्रेशन के अंदर में हो जाएगा e टू दी पावर 2x और cos x का हो जाएगा sin x dx, ये हो गया, क्लियर यहाँ तक। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर तो इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, अब इसका होल इंटीग्रेशन होना है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया देखो e टू दी पावर 2x इंटू sin x, ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। और इस तरह से हम इतने पोर्शन को, हम इस पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ये पूरा आई है देखो, ये आई के इक्वल है, क्लियर। तो इसको आई लिखें 4i और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उस साइड में लेके वर्क करता हूँ, एक बार तो लिख दूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अभी जगह है, दैट इक्वल माइनस ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 e टू दी पावर 2x साइन x और माइनस 4i, ये हो गया, और ये किसके इक्वल है, i के इक्वल है, ये 4i इसके साथ में आके ऐड हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5i,
ये मैं मूव कर रहा हूँ इसको थोड़ा, चलो इतना कर दिया बस। इतना दिखेगा। अब यहाँ पर देखो हम इसको क्या करते हैं, 4i को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो क्या होगा, फाइव आई हो जाएगा। फाइव आई इक्वल, यहाँ ध्यान देना, e टू दी पावर 2x को हम यहाँ से कॉमन कर रहे हैं, e टू दी पावर 2x को, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x अंडर ब्रैकेट प्लस को पहले लिख रहा हूँ मैं, तो 2 साइन x, किसी को पहले किसी को बाद में लिखा जा सकता है, 2 साइन x और माइनस कास x, माइनस कास x, ये 5 उधर ट्रांसफर कर दें, तो देयर फॉर आई इक्वल टू ई टू दी पावर 2x अपॉन 5 अंडर ब्रैकेट 2 साइन x माइनस कास x प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखो हमने कुछ नहीं किया, हम पहले से जो समझे थे यू इंट वी वाला मेथड, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हमने लगा दिया। लेकिन अब हम आपको जो बताने वाले हैं यहाँ पर, जो हम आप इसको इस चैप्टर में आपको बताने वाले हैं, वो है बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला। तो ये आंसर यहाँ पर हमारा निकला हुआ है, देखो 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स, राइटर तो निकाला होगा 2 साइन एक्स माइनस कास प्लस सी, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वो आंसर आया है, लेकिन उन्होंने इस मेथड से नहीं बनाया होगा, चूँकि हम यहाँ पर फार्मूला पढ़ रहे हैं तो हम इसको फार्मूला के हेल्प से बनाएंगे। चलिए इसको मैं सेकंड मेथड करके दोबारा क्वेश्चन को लिखता हूँ, ये तो आप समझ गए। फिर आपको मैं कंपेरेटिव, इस तरह से दो मेथड्स मेरा बताने का पर्पज़ है कि मैं आपको बता सकूँ कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अनअकेडमी लेके आए आपके लिए एक स्पेशल फीचर, आस्क ए डाउट, क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आप किसी भी समय कितने भी डाउट आप पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे इस फीचर पर, और आपके होमवर्क के लिए भी आपको असिस्टेंस मिलेगा इससे। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस ऐप को आप यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ऐप में जाना है और आस्क ए डाउट क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में आपने जो पिक्चर लिया हुआ है क्वेश्चन का, या फिर वहाँ पर गैलरी ले सकते हैं, आप पिक्चर ले सकते हैं, वो आपको लेना है। नेक्स्ट स्टेप, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो पिक्चर लिया है उसमें केवल उसी क्वेश्चन को क्रॉप करना है जो जिसका आपको आंसर चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्रॉप करना है दैट मीन्स, और आपको चूज किए हुए क्वेश्चन को डालना है, फिर आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। देखिए इसमें जो आपको सावधानी रखनी है वो ये है कि आप एक टाइम में केवल एक ही डाउट पूछेंगे, एक से अधिक डाउट सेंड नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो इसमें पिक्चर भेजेंगे क्वेश्चन का, वो क्लियर होना चाहिए, पिक्चर की क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। और तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप यदि एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो उसके सभी ऑप्शन आपके क्वेश्चन के नीचे में होने चाहिए। आइए अब आपको मैं बता दूं कि आप यदि अनअकैडमी में ये यूज़ करना चाहते हैं फ्री डाउट क्लियरेंस, तो आप मेरा कोड यूज़ करिए जितेंद्र सर लाइव। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप यदि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरे इस कोड को यूज़ करने पर, जितेंद्र सर लाइव कोड आप यूज़ करिए और 10% का आप डिस्काउंट पाइए। ओके थैंक यू। अब हम देखते हैं इसका सेकंड मेथड। बाई फार्मूला कर सकते हैं, बाई फार्मूला क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट यहां पर लिख देता हूं। आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, यही है मेरे ख्याल से, ई टू दी पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। ओके अब हम यहां पर लिखते हैं इसके फार्मूला को। सिंस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, वो होता है ई टू दी पावर, फार्मूला पीछे है, ई टू पावर एक्स ए साइन बी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स
ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स और अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला। माइनस बी कॉस बी एक्स माइनस बी कॉस ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, सुधार देता हूँ थोड़ा, माइनस है माइनस बी कॉस बी एक्स। एक बार देख ली पीछे फार्मूला, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर, इस फार्मूला को हम वहां पर अब लगा रहे हैं, ठीक है। तो उस फार्मूला को लगाने से आंसर क्या आएगा, देखो ये फार्मूला है। देयरफॉर यहां पर थोड़ा सा क्लियर लिख दूं और मैं, हियर इसे कंपेयर करो तो ये x का कोफिशियंट a है, यहाँ 2 है, तो a इक्वल टू 2, यहाँ साइन x का कोफिशियंट 1 है, फार्मूला में क्या होता है b, तो b इक्वल टू 1। तो आप समझ में आ रहा है आपको, इस क्वेश्चन का हमने इससे कंपेयर किया और बता दिया a का वैल्यू कितना है b का वैल्यू कितना है। ये वैल्यू बताने के बाद हम उसको यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा, सीधा आंसर में पुट अप करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स इक्वल क्या होगा, e टू दी पावर x, तो यहाँ पर हो जाएगा e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x अंडर ब्रैकेट a, a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 साइन, b का वैल्यू है 1, तो यहाँ पर b का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो x हो जाएगा माइनस b, b का वैल्यू कितना है देखो, यहाँ पर b का वैल्यू 1, तो 1 हो जाएगा, और cos x ये हो जाएगा कास एक्स और अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो कि 5 हो जाएगा, दैट इक्वल हो जाएगा ई टू दी पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स अपान 5 ई टू दी पावर 2x ई टू दी पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स अपान 5। देखो इतना लेंदी प्रोसेस करने के बाद जो आया वो सीधा आपका फार्मूला अप्लाई करने के बाद आ गया। तो ये हमने जो है पर फार्मूला यूज़ किया, जो पहले आपको शुरुआत में मैं बताया, ये है फार्मूला। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले, इस क्वेश्चन को आप इस फार्मूला से कंपेयर करो और ए और बी का वैल्यू बताओ और सीधा क्या है उस फार्मूला में पुट अप करो, तो आपको डायरेक्ट ये आंसर मिल जाएगा। ये इसका डायरेक्ट मेथड है, ये कॉम्पिटिटिव में बहुत काम आता है और बोर्ड एग्जाम में भी आप इस फार्मूला के मेथड से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर दो लाइन में लिख दिया तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल आपको मिलेगा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसीलिए हम इसको आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और इसके पहले इसीलिए मैं दो विधि से पढ़ाया आपको, कहीं आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बोर्ड में मार्क्स कट जाए करके, तो आप उसको यू इंटू वी मान के बना लो, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इस पैटर्न का बता दिया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसको मैं सीधा सीधा फार्मूला से ही बताऊंगा, बाकी आप समझ गए हैं। देखो ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो इस फॉर्म में आंसर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस फार्मूला को हम यूज़ कर रहे हैं, कास वाले फार्मूला के लिए क्वेश्चन करेंगे अब, ये वाला ई टू दी पावर ए एक्स कास बी एक्स, अभी मैंने साइन के लिए बनाया, अब हम कास के लिए बनाते हैं, ओके। चलिए तो एक नया क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद कैंसिलेशन ला पढ़ेंगे। सेकंड फार्मूला पर आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, एक एनसीईआरटी का ही एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं उसके लिए, ई टू दी पावर 3x कॉस 2x dx, ई टू दी पावर 3x कॉस 2x dx, ये हमने यहां पर ये फार्म लिया। अब फार्मूला को देखो, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है ई टू दी पावर ए एक्स अंडर ब्रैकेट, इसमें फार्मूला चेंज हो जाता है, पहले होता है ए कॉस बी एक्स प्लस बी ए कॉस बी एक्स, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, साइन कॉस इंटरचेंज हो जाता है
और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह है आपका फार्मूला। ये फार्मूला आपको लर्न करके याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर फिर अपन तुलना करते हैं, हियर हियर ए इक्वल टू, यहां पर ए, यहां ए का वैल्यू कितना 3, ए इक्वल टू 3 और b इक्वल टू ये b और b का वैल्यू क्या 2, बस इतना ही करना होता है। उसके बाद क्या करना है, फार्मूला बहुत आसान मेथड है, इसमें कुछ नहीं है। देयरफॉर सीधा फार्मूला में पुट कर दो, e टू दी पावर 3x इंटू कॉस 2x dx इक्वल टू, ये फार्मूला है। तो e टू दी पावर कितना होगा, e टू दी पावर 3x अंडर ब्रैकेट a, a का वैल्यू कितना 3, कॉस b का वैल्यू 2, तो हो गया 2x प्लस बी का वैल्यू 2 साइन बी का वैल्यू 2x अपॉन रूट ऑफ, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 9 और बी का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया ये 13, दिस इज फाइनल आंसर। इस तरह से आप इसके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ओके। तो ये एक पैटर्न है, अब इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सीधा इस पैटर्न में क्वेश्चन मिलेगा। ये आपके पास फार्मूला है, ए और बी को, ए और बी को डिटरमाइन करो कौन ए और बी होगा। अब जो फार्मूला आपको याद हो उसमें आपको बेसिकली आपको फार्मूला रटना है, ये फार्मूला। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले एक बार आंसर तो टेली कर लूँ इसको मैं, e टू द पावर 3x अपॉन 13 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x, ओके। प्लस सी तो लिखना ही है अपने, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो कितना आसान है, दो लाइन का होता है, सिर्फ दो लाइन का। और इसी यदि आप इस मेथड से नहीं करोगे तो पता है ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको यू सपोज करोगे, इसको भी सपोज करोगे और उसको बताने की जरूरत नहीं, उस पर हम बहुत क्वेश्चन कर चुके। इसलिए आज के क्लास में मैं स्पेशल पैटर्न को लेके आया हूँ। बेसिकली मेरा पर्पस आज के क्लास में कॉम्पिटिटिव के लेवल पर भी आपको तैयार करना है, ताकि आप उस स्पेशल पैटर्न को तैयार करके रखो और कभी कॉम्पिटिटिव में आए तो एक लाइन में आप उसका, आप बोर्ड एग्जाम में भी एक लाइन में आंसर लिख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन जानो मैं आपको बताया, यहाँ पर देखो ये है कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रेशन या निरसन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसका किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, चलिए मैं इसको आपको यहीं पर समझा देता हूँ, यहाँ पर तो जगह है थोड़ा, सर खिसका लेंगे अपन उसको। ये सबसे पहले मैं पहले रूल पर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस रूल पर कि किस तरह से इसके क्वेश्चन बनते हैं, ओके। देखो ये इसको डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं, इजी भी कह सकते हैं। डिफ़िकल्ट कब होगा, यदि आपको इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन फार्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं बना पाओगे, और फार्मूला याद है तो एक लाइन में बना लोगे। खासकर ये जो पहला वाला नियम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेकंड रूल तो बहुत ईजी है और एक लाइन में यूज़ हो जाता है, ये इसके क्वेश्चन आपको बहुत से प्रैक्टिस करने हैं, एक दो क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, आप कैंसिलेशन ला के बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, e टू दी पावर x sec x I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x sec x अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 10x dx 1 प्लस 10x dx। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि बहुत से क्वेश्चन में क्या होता है, हमको ये ऑब्जर्व नहीं होता कि कैंसिलेशन लॉ वहाँ पर लगेगा, निरसन नियम लगेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ जिससे आप डिसाइड कर लोगे कि यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ लगेगा, जिसमें पहला ऑब्जर्वेशन है जहाँ आपको फंक्शन में ये दिखे e टू दी पावर x शुरुआत में ही, तो समझ जाना ये इस फंक्शन का पार्ट हो सकता है। अब e टू दी पावर x बाहर होगा और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन यहाँ होगा, ये इसका खासियत है। मतलब जो पहला फंक्शन होगा प्लस उसके तुरंत बाद उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो e टू दी पावर x sec x 1 प्लस 10x, अब यहाँ पर e टू दी पावर x तो है लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं है देखो, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखिए ये हो गया दैट इक्वल e टू दी पावर x और मैं ये sec x के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हो जाएगा sec x प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा sec x इंटू 10x, अब ये हो गया dx। अब नेचुरली आपको यहाँ पर वाच हो रहा होगा देखो कि ये sec x है, ये फंक्शन ऑफ x है और sec x del x ये क्या है f dash x है 10x, क्योंकि हमको मालूम है कि sec x का अवकलन होता है sec x इंटू 10x। तो देखो इस फार्मूला के फॉर्म में आ गया, ये शुरुआत में होता है e टू दी पावर x, तो यहाँ पर e टू दी पावर x है और यहाँ पर इस फॉर्म में ये हमारा क्वेश्चन आ गया।
तो दैट इक्वल, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सीधा आंसर लिख सकते हैं। आंसर किस फॉर्म में होगा, आंसर इस फॉर्म में होगा, मतलब e टू द पावर x, ये हमने लिख दिया e टू द पावर x इनटू फंक्शन ऑफ x, तो इसमें फंक्शन ऑफ x कौन है, फंक्शन ऑफ x sec x है, तो हो जाएगा sec x प्लस c। कितना इजी है आप समझ सकते हैं, और कैंसिलेशन लॉ को इस तरह से बनाना है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब अपन कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कराते हैं तो इंटीग्रेशन में कैंसिलेशन लॉ को स्पेशल हाईलाइट करके पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया इस तरीके से, देखो दो लाइन में इंटीग्रेशन हो गया। यदि यहाँ पर आप निरसन नियम नहीं लगाते तो यहाँ पर बहुत लेंदी आपको इसको इंटीग्रेशन करना होता, इसको यू सपोज करते, बाकी को ही करते, और बहुत ही लेंदी हो जाता हो, नियर अबाउट 20 स्टेप्स ऊपर में जाके इसका इंटीग्रेशन होगा, जबकि यहाँ पर आप देखो एक लाइन में होता है इस रूल को। तो ये रूल को आपको लगाना सीखना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये करने में कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको उसको एडजस्टमेंट करके इस फॉर्म में लाना है, क्योंकि शुरू एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन उस फॉर्म में होता नहीं है, क्लियर। अब इसका देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन का एग्जांपल, सेकंड तो खैर बहुत आसान है, सेकंड में एक ही पैटर्न, इसमें ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 99% क्वेश्चन आपको इस पैटर्न का मिलेगा, इसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, सपोज एक ईजी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, मान लो इस रूप में आपका क्वेश्चन है। अब इसमें शर्त क्या होता है, इसमें शर्त बहुत डिफिकल्ट है कि पहले x ही लिखा हो, x ही, x के जगह में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, इसलिए इसके क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए x है, इसके बाद क्या कहता है कि x का जिसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ हो उसके सामने जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो, f dash x मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो। तो यहाँ पर देखो ये है साइन x, इसको यदि मैं फंक्शन ऑफ x कहूँ तो ये है cos x, ये f dash x है, मतलब यहाँ जो फलन है उसका ये अवकलन है, उसका डिफरेंशिएशन है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो उस फॉर्म में आ गया। और इस फॉर्म में जब आ जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, x फंक्शन ऑफ x, तो सीधा हो जाएगा x तो रहेगा ही और फंक्शन ऑफ x ये है साइन एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये मैंने आपको फार्मूला के बगल में ही एक एक क्वेश्चन दोनों का बता दिया कि किस तरह से यूज होता है। ओके, तो कैंसिलेशन लॉ ऐसे यूज होगा, इन दोनों का भी मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बता दिया, और ये सेकंड फार्मूला आपको लगाना है तो लगाना है, नहीं तो फिर उसको जरूरत नहीं लगाने का, कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते। तो ये आर है, इसीलिए मैंने इसमें आर लिखा हुआ है, दोनों में से किसी फॉर्म में आंसर आप दे सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर में ये एक सुविधा होती है कि आंसर दो टाइप के हैं, तो वहाँ पर आप कोई स्टूडेंट वो फार्मूला लगाया कोई दूसरा लगाया, तो चेक करने वाले को यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि कोई किसी भी मेथड से लगाए उसको सही करना, और एक लाइन में तो आंसर आना है। तो आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा ये कैंसिलेशन लॉ का, मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया, उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को आपको पहले डिटेल मेथड में बताया, डिटेल मेथड में मतलब यू इंटू वी से, फिर ये करके दिखाया कि फार्मूला से भी वही आएगा, ये सेकंड मेथड बाई फार्मूला से भी वही आया। इसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया ये वाला क्वेश्चन जो इस पर बेस्ड है, क्लियर। तो मैंने सभी पैटर्न का एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया, यदि कैंसिलेशन ला के हो सके तो और बहुत अच्छे क्वेश्चन हो तो हमें कुछ क्वेश्चन और आगे के वीडियो में आपको करा देंगे, लेकिन बेसिकली अब मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन। एक बार मेरी बात ध्यान से आप सुन लो, त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन, यह भी खंडसा समाकलन का पार्ट है और ये मेरा लास्ट पार्ट होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। और ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन में जब मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, आपने मेरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यदि वीडियो देखा होगा या नहीं देखा है तो पीछे जाके प्लेलिस्ट में प्रतिलोम त्रिकोणमिति का आप वीडियो देखो, वहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड कराया था ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन का, उसको एक बार आप देख लेना। और बाय द वे आप वहाँ पर नहीं देखे हो तो मैं इस भी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें फिर एक बार आपको मैं चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन पर भी बता दूंगा। सब्स्टिट्यूशन पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन पढ़ा चुका हूँ, अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन को लेकर अलग से एक वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ ताकि उसमें आपका बहुत अच्छा से कमांड हो गए। इस तरह से मैंने इंटीग्रेशन के हर पार्ट को बहुत सूक्ष्मता से टच किया है, और मेरा आपको सजेशन है कि हर पार्ट को सीक्वेंस ऑर्डर बाय ऑर्डर आप क्या है उसको देखिए तो आप इंटीग्रेशन में अच्छा कमांड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन,
मतलब निश्चित समाकलन, अभी चल रहा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपको वो टॉपिक लेके, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए, खासकर कैंसिलेशन लाकर। ओके, थैंक यू।